तो अभी हम लोग ऐसे मैच देख रहे हैं सारे मिलके और मजा आ रहा है भाई फुल। वो गाड़ियां बैठी हुई है, ठंड लग रही थी उनको, मैं यहाँ बैठ गया था। तो 127 पे 6 आउट। पाकिस्तानी क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चाय आवे, चाय पीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई सीन ये है कि आज हमारा जो नया रूम है हम उससे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो रूम हमने लिया ना वो बहुत बेहतरीन है। ये हमारे रूम का बाहर का मंजर है, और कल के व्लॉग में भी हमने आपको अपडेट किया था, मगर यार ये रूम की सर्विस बहुत अच्छी है बनिस्बत उस वाले रूम से। एक तो ये रात में गर्म रहता है, हीटर जब तक चल रहा है क्योंकि ओवरटन का है, तो ये सारा सीन यही है कि इसमें गर्माई रहती है। ठंड बहुत है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है इधर, छपाड़ा सीन है। आज क्या इम्कान है बारिश होने का या स्नोफॉल हो जाएगी मेरे ख्याल से, देखते हैं होता है क्या। अब तक तो कुछ पता नहीं है। हमारी प्राडो आ गई है और मैं निकल रहा हूँ प्राडो की तरफ। माना नहीं आ रही है रेडी होकर, तो मैंने रहा जब तक सामान वामान कुछ रख कर आ जाऊँ। समझ लें मॉर्निंग हमारी सेकेंड लास्ट है, मगर बेसिकली पूरा डे हमारा लास्ट है। उसके बाद हम कल स्कर्दू में नाइट स्टे नहीं करेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट है और हम रवाना हो जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद में हमारा कुछ घंटों का टूर है, देन फिर हम वहाँ से रवाना हो जाएंगे कराची। तो ये सीन है। आ गए इमरान भाई, आ जाए आ जाए। कौन सी गाड़ी है इमरान भाई? वाइट वाली प्राडो। तो ये हमारी गाड़ी है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है क्या स्कर्दू में 100% बारिश होगी, और अल्लाह ना करे कल भी बारिश हुई तो वेदर की वजह से हमारा फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, और फ्लाइट कैंसिल होगी तो बहुत सारे फंड हो जाएंगे। तो अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। ड्राइवर नहीं है, वापस चलो रूम में। गाड़ी तो आ गई, ड्राइवर एयरपोर्ट जब आएगा तो इधर में ठंड बहुत है, वो बोले अंदर जाओ, अंदर आ जाओ, पहले आ जाओ, बहुत ठंड है, ठंड बहुत है बाबू, बारिश होने वाली दिख रहे भाई। अब हम रवाना है अपनी मंजिल की तरफ देवसाई। इससे पहले हम रास्ते में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, मम्मी के लिए कुछ लेना है और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेनी, क्योंकि आज का दिन ही है हमारे पास। कल तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, यहाँ 9 बजे के बाद ही खुलता है सब कुछ, उससे पहले नहीं खुलता क्योंकि ठंड इतनी होती क्योंकि खुलता ही नहीं है भाई। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, ड्राइवर आ गया एयरपोर्ट से दूसरे कस्टमर्स को लेकर, क्लाइंट्स को बाबू, क्लाइंट। तो आज ये हमारी होटल का जो बेसिकली है नाम वो है स्नोलैंड, और अगर आपको भी होटल बुकिंग करानी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर्वर का भी नाम देता हूँ, इवेंटे का भी नंबर दे देता हूँ, और जो यहाँ का ऑनर है उसका भी नंबर दे देता हूँ, तो आप तीनों में से किसी से भी डिस्कस करके कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फिलहाल हमारी गाड़ी आ गई है, चलो भाई गाड़ी में बैठो, ये ड्राइवर ये, चलो बैठे। अस्सलाम, कैसे हैं ब्रदर? मजे में? अल्हम्दुलिल्लाह, मदद। तो भाई ठंड का आलम बढ़ गया है, हम जो कपड़े लेकर आते वो भी पड़े हमें बेकार, क्योंकि अब हमें लेने पड़े गर्म कपड़े, जो कि हम जा रहे देवसा ही, वहाँ माइनस से ही माइनस माइनस ही माइनस बर्फबारी होने वाली, समझ लें वहाँ या बर्फ पड़ी हुई है। तो जूते और कपड़े लेने हैं अभी फिलहाल, अभी हम आए शॉपिंग करने के लिए इधर, देखते हैं जैकेट्स कौन कौन सी लेते हैं अपने लिए। और तो वो कपड़े ले रही है, जब मैंने सोचा कि मैं जब तक एटीएम मार के आ जाऊँ, पैसों की सब जरूरत है फिलहाल, पैसे शॉर्टेज चल रही है, तो एटीएम मार के और ऊपर बादलों पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि बस अभी अभी फौरन फौरन बारिश होने वाली सीन है, बस से पहले हम लोग देवसाई निकल जाएँ, सतपारा लेक देवसाई, आज ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत नज़ला हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये ट्रिप का, कोई भी ट्रिप में जाएंगे ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये भी, ये रोज निकलते हैं ऐसे, तो मैंने पैसे निकाल लिया, मैं जा रहा हूँ शॉप पे, उससे जैकेट दिलाऊँ वाली मम्मी के लिए गिफ्ट लिया, वो लेना है, और उसके बाद अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल नाश्ता बहुत दबा के क्या मंड के, मतलब फुल 2 अंडे फोड़ दिए ताकि अंडे वेट में जाए तो सुकून आ जाए। आप ये देख सकते हैं कल रात तक ये खाली खाली पहाड़ तक बर्फ़ हो गई, मतलब ऊपर बर्फबारी हो रही है, इसलिए ठंड का आलम बढ़ गया, पेचन नहीं हो रही, ऊपर की साइड हो रही है। तो मम्मी के लिए पैसे ले लिए हम फिलहाल को गाड़ी में, बस 1 मिनट वो वापस जाएंगे, उस जैकेट वाली जैकेट लेने जो मैंने देखी थी ना। तो भाई लॉन्ग शूज़ देख रहे थे, दुकानें नहीं थी तो हमने यही लॉन्ग शूज़ ले लिए फिलहाल मज़े के, और ये मिले भी सस्ते हमें, 800 रुपये मिले। हमें जैकेट्स लिए हमने नहीं, ठीक है,
बट लॉन्ग शूज हमने यूज में चला लिए क्योंकि यहाँ है नहीं। क्या बोलते हैं आपका नाम तो बताएं? नजीर भाई। कैसे हैं? मजे में। आज हमारे जो साथ में टूर गाइड है नजीर भाई हैं, और नजीर भाई हमें सर्फ में मजेदार दियोसाई की मजेदार ट्रिप कराने वाले ना इंशाल्लाह। तो भाई जनरल स्टोर हम आए कुछ खाने पीने के लेने, क्योंकि दियोसाई जा रहे हैं वहाँ हमें कुछ शांत पीने के लिए जा रहे हैं, वो सामने लेने के लिए कुछ। आ जाओ इजीली आ जाओ। इन भाई साहब को जैकेट दिला दी, इन भाई साहब को जूते दिला दिए, इन भाई साहब की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करा था हमारे क्या औकात। मेरे भी हमने शॉपिंग यहाँ कुछ खाने चीज़ें लेने आए। सारी ये तकरीबन चीज़ें ना 1000 रुपये की, इतनी महंगाई है भाई पता नहीं चलता कुछ। हमारी गाड़ी में सारी स्नैक्स हैं, फिर भी हम कीड़ा खर्च करने का फजूल। लो ये लो, ओए होए ये कराची से लाया था, अब तक खर्च नहीं हुआ है, खाएंगे आज रात में इसको भी। व्यू ऑफ सतपारा लेक, ये जम गई है। काफी है भाई इधर, अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। कैफे सत पारा, ये तो ऐसे प्रैक्टिस कर रही है जैसे K2 पे चढ़ रही है। फाइनली मैंने कुछ भी नहीं पहना फिलहाल, मैंने सब कुछ लिया हुआ है। हाय ये ठंड तो एंजॉय करना है भाई, अगर यही ठंड में हमने कवर कर लिया अपने आप को तो बीमार कैसे होंगे, तो डॉक्टर नाराज हो जाएगा आपसे। डॉक्टर को भी तो थोड़ा पैसा खिलाना है ना, इतना ज्यादा खर्च करा यहाँ पे तो डॉक्टर भी थोड़ा खाएगा। वही बोलते हैं जरिया बनते हैं हम लोग, मुझे मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ से बहुत ठंड है ना, बहुत ज्यादा ठंड है। आपका भाई बन रहा था शाहरुख खान, भैया सैफ अली खान जा रहा हूँ मैं, सेफ जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, बहुत ठंड है और निकलने आगे। यहाँ ठंड का जो आलम है ना आपको नहीं बता सकता, हवा चल रही है बहुत ज्यादा लग रही है। अब इसके बाद जब हम उतरेंगे ना तो ग्लव्स टोबा वोबा सब कुछ होगा कवर। अल्लाह हाफिज़ सारी मिलती। तो भाई ये है दियोसाई नेशनल पार्क की वेलकम, ये आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ये व्यू है, बर्फ देखें आप बिल्कुल करीब आती गई है, सामने पहाड़ों पे बर्फ है क्योंकि हम पर चढ़ रही है। हम लोग बुलंदी, कितनी बुलंदी पा गए होंगे हम लोग? ग्यारह हजार बुलंदी पे। ऑक्सीजन लेवल सही होता है वहाँ पे? जाना 13,000 जाना, ओ माय गॉड 2,000 ऊपर जाना और बड़ा मजा आ रहा है यार। वो जैकेट तो देखो कैसी है, क्या कर रहा हूँ मैं इसलिए की टू जा रहा है हमारे पास। तो भाई मैंने सन खुला लिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ मजे करके आता हूँ। एक पहले टोपा मार लेते सर पर ना, सर भारी हो जाएगा। जा चलते हैं इसे रुपए सारे बर्फ में और ऊपर नहीं जा सकते ज़्यादा क्योंकि बर्फ स्लिप ही हो रही गाड़ी, सही है। तो यहाँ तक पहुँचे बेस कैंप और वो सब जगह बंद है, ऊपर देख रहे हैं बर्फ़ कितनी है, 6-6, 10-10 इंच बर्फ है इधर, और बड़ा मज़ा आ रहा है यार। अब ठंड नहीं लग रही थी ना यार? हाँ यार हवा नहीं क्रॉस में ना इसलिए। तो बड़ा मज़ा आया भाई, कैसा लग रहा है आपको बर्फ में आ गया? और बर्फ तो मारे तुम्हें ये नहीं वीडियो बना ले हमारी
बहुत मजा आ रहा है बर्फबारी में, तो आप लोग होते तो अबे सर पे नहीं मारो, बहुत मजा आ रहा है। जाड़ ले जाड़ ले जाड़ ले, तो यार बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, पीछे खींच रहे हमारी तो भाई ठंड बहुत है, मुंह से धुएं निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमारा ये ट्रिप का लास्ट एडवेंचर ट्रिप था ये, उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे, हो सकता है कर दूँ कि ठंड हवा हमें कम लगे, और कराची की ठंड हमें लगेगी ही नहीं। मम्मी हिना बाजी, ये हिना बाजी आयशा, बर्फ हार हो देखिए देखिए, अभी अभी बर्फबारी हुई थी तो हम लोग लेट हो गए। कुत्ते की तरह गिरा हुआ है। तो भाई स्नोफॉल हो रही है थोड़ी सी, हम रुकते हैं यहाँ पे, उतर रहे हैं, हल्की हल्की हो रही है ऊपर की साइड, टनी से भी आ रही है हल्की हल्की, थोड़ी देर हाँ स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर में हो जाएगी तेज तो मजा आएगा, हल्की हल्की हो रही है ना, है ना मजेदार। ओए दूर नहीं, दरार रहा हूँ मैं इसको। तो भैया हम आए सतपारा लेक पे जरा व्यू करने के लिए, बड़ा मजा आया, बड़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत है, ठंड है और हम ही है बस, और कोई है नहीं। हमारी चाय अभी मैंने, हमारी क्या मतलब मेरी और ड्राइवर की चाय आ रही है, बेगम चाय पी दी नहीं है, तो ठंड बहुत है, ठंड का आ रहा है। और आप देख रहे हो मैंने मफलर को नमाज की टोपी बना के रखा हुआ है, जैसे नमाज में टोपी बनाते हैं बारिशों में, ऐसे कभी बाल झड़ने के लिए लड़कियां बालती हैं, क्योंकि हमारा टोपा खो गया है, हमारी बेगम से खो गया है, और वो हीना बाजी ने मुझे गिफ्ट दिया था, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो इसी के साथ ही हम अपना ब्लॉग को ख़त्म करते हैं इधर ही। अगर आपको ये इतनी सारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर करके अपने दोस्तों और नए कपल्स को शेयर करके बताएं, ऐसे होती है व्लॉगिंग। मजा आया आपको मेरे साथ? बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्रिप, मज़ेदार। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच सर्वर एंड इवेंटिका जिन्होंने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी, थैंक यू सो मच स्नोलैंड जो हमारी होटल थी स्कर्दू में, उन्होंने हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी, और इमरान भाई एंड क्या नाम था नसर पता क्या नाम था उनका जो हमारे आ जाए हुए, थैंक यू सो मच इनका भी। तो बस यही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्या लेके अल्लाह हाफिज। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real.